हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ क्लीनिंग का काम बाकी था तो उसको कर रही हूँ, और अधिकतर समय हम लोग को इसी रूम में बीतता है, तो अधिकतर सामान भी इसी रूम में बिखरता है, तो इसलिए मैं इसको क्लीनिंग कर रही हूँ। तो हस्बैंड इस रूम में कुछ काम कर रहे थे तो इसलिए ये रूम रह गया था, तो अब इसको मैं साफ कर ले रही हूँ। और इस वीडियो को मैं 3 तारीख को ही शूट की थी, पर किसी कारण से उस दिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं इसको आज पोस्ट कर दूंगी। और आज है 5 तारीख, आज 5 तारीख है, और आज है टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबको दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और तारीख है 3 तारीख, तो आज है हम लोग का पारण। पारण मतलब कल जो तीज था हम लोगों का, वही आज पारण है। तो सुबह का हम लोग का ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब दोपहर लंच की तैयारी के लिए मैं जा रही हूँ, तो सोची कि आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा। हम हाउसवाइफ की जिंदगी में ये सब काम लगा हुआ ही रहता है, चाहे आप 24 घंटा उपवास रहे या 36 घंटे का उपवास हो, फिर भी आप लोग को ये काम करना ही है। हम लोग हाउसवाइफ को काम ये करना ही है, सुबह झाड़ू पोछा से लेकर के ये कुछ आपको खुद ही करना है, क्योंकि आप अपने से करते हैं तो संतुष्टि भी लगता है और अच्छे से साफ से भी कर लेते हैं, तो कुछ काम तो करना ही पड़ता है। ब्रेकफास्ट हो गया है तो कुछ कपड़े कल उतारी थी, तो कपड़ा भी कुछ हाथ से धोने का है तो हाथ से धोऊंगी, कुछ मशीन भी लगा दूंगी। तो उधर मिस्त्री आ गए हैं इन्वर्टर बनाने के लिए आज 3 दिन के बाद, तो मैं आ गई हूँ किचन में और चावल दाल की तैयारी कर रही हूँ। उधर चावल का भी पानी चढ़ा दे रही हूँ और इधर दाल को भी तैयार कर ले रही हूँ। तो कभी कभी इस तरह से भी दाल बनाकर जरूर देखना चाहिए, इस तरह से भी दाल। वैसे तो दाल बनने के बाद हम फ्राई कर ही लेते हैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक दे करके, और इस तरह से भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं हरी मिर्च लहसुन और ये प्याज,
यहाँ पे मैं लहसुन मिर्चा और प्याज दे करके पहले उसको फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ये दाल डालकर हल्का सा फ्राई कर लूंगी। इसको इतना भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है दाल का, एक कच्चापन जो आता है वो हट जाए। तब इसमें मैं डाल दे रही हूँ टमाटर और दाल में वही नमक हल्दी और प्याज। थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च बस। नमक इस तरह से भून चुका है तो इसमें मैं अब डाल देती हूँ पानी। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि दाल का जो कच्चापन रहता है वो कच्चापन हट जाता है। हम लोग तो गांव का दाल खा नहीं रहे हैं, गांव का दाल रहता है पहले से ही उनको उसको भून फुला दिया जाता है, फिर उसको भून कर तब दाल बनता है। और ये सब मार्केट का दाल है तो मार्केट का दाल तो वही रहेगा ना, कच्चा सा, उसी तरह से उसको मशीन से लोग साफ कर देता है, छिलका हटा देता है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा भून लेने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा। हो गया है तो मैं चावल भी डाल दे रही हूँ। और इधर मैं कर रही हूँ करेले भुजिया की तैयारी, तो उसके लिए मैं नमक, हल्दी और नींबू थोड़ी सी मिक्स करके और 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका जो कड़वापन है वो हट जाए। तो इस तरह से अगर करेले को करके रख दे रहे हैं तो रख देने से क्या होता है कि इसका कड़वापन जो है सो हट जाता है। तो इधर चावल और दाल दोनों ही तैयार है और चावल का मैं पानी निकाल ले रही हूँ, उसके बाद दाल को भी मिक्स कर लूँगी। तो दाल तैयार है तो थोड़ी सी गर्म कर ले रही हूँ पानी दे करके, और इधर मैं जीरे से सिर्फ उसको छौंक लगा दूंगी तो दाल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस करेले को अब अच्छे से पानी से पहले धो लूँगी ताकि इसका जो भी कड़वापन है वो निकल जाए। तो इधर भुंजिया होगी तब तक मैं इस अरबी के पत्ते को साफ कर ले रही हूँ और इसी का सब्जी मैं आज बनाऊंगी। और ये कच्चू को पत्ता को मैं साफ करके और इस तरह से काट ले रही हूँ। और इस तरह का ये सब्जी बहुत टेस्टी होता है, अविश्वास ना हो तो बनाकर देखिए। ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें नींबू ताकि काटे नहीं। नमक, थोड़ी सी लहसुन का, इसका लहसुन देने से इसका भुजिया का टेस्ट अलग आता है। इसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ। आप और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर। और थोड़ी सी लहसुन। और इसको अच्छे से मैश लूंगी। इस तरह से हो गया है मैश करके। तो इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन। पत्ता में भी बेसन दे करके, पर इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसके अंदर में भी मसाले चले जाते हैं, मसाला, नमक सब चला जाता है, तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। हाँ, मसाले में कुछ मैं चेंज करती हूँ, कभी सरसों मिर्चा दे करके, सरसों को दे करके, तो कभी जीरा और धनिया वाला। वैसे आप चाहे तो इसे सेक भी सकते हैं पर इसका टेस्ट
थोड़ा सा उससे अंतर आ जाता है। तेल गरम हो गया है तो मैं डाल दे रही हूँ अभी पत्ते को, और नींबू इसमें जरूर डालें। नींबू डालने से ये काटता नहीं है, और कद्दू के पत्ते हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। तो कद्दू पत्ता अभी तो सीजन भी है इस पत्ता का, तो जरूर खाएं, टेस्टी भी लगता है। हर सीजन का फल हो, सब्जी हो, हमें खाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, हमारे लिए अच्छा होता है, तो जरूर खाएं। जरूरी नहीं है कि आलू, पटल, बैगन, कद्दू, नेनुआ यही सब खाएं, कुछ हट करके भी, या छोला राजमा ही खाएं, कुछ हट करके इस तरह का सब्जी भी खाना चाहिए, ये बहुत टेस्टी होता है। अब मसाले के ऊपर है, आप या तो सरसों दे करके बनाए या फिर धनिया दे करके बनाए, धनिया का धनिया मसाला, जैसे प्याज वाला जो मसाला पड़ता है उसको, या फिर जो मछली में आप लोग हम बना करके खाते हैं वो मछली का मसाला देकर, या फिर चिकन का, मटन का मसाला दे करके, ये सब ये होता है। ये भी तैयार, कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैं डाल दे रही हूँ तेल, और उसमें डाल दे रही हूँ मैं जीरा और थोड़ी सी हींग, और इसी के साथ मैं डाल दे रही हूँ प्याज, और प्याज को हल्के से भून लूंगी। और ये प्याज भून चुका है इस तरह से, तो इसमें मैं मसाले डाल दे रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी, और इसको मैं हल्के से भून ले रही हूँ। और इसके बाद मैं डाल दे रही हूँ इसमें लहसुन, और इसमें डाल दे रही हूँ मैं दही। मसाले के साथ ही मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ। और इसके बाद मैं डाल दे रही हूँ ये टमाटर छोटी सी, नमक, और इधर मैं चढ़ा दी हूँ तावा, इसमें डालूंगी मैं जीरा रायते के लिए। जीरा भुना हुआ था तो खत्म हो गया है, तो मैं थोड़ी सी भून ले रही हूँ पहले। तो मसाला भून चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और इसके बाद पानी डाल दे रही हूँ। तो उधर जीरा भी भून चुका है तो उसका मैं अब पेस्ट बना लूंगी। तो इधर ग्रेवी में आ गया है बॉयल, तो मैं इस सब्जी को भी डाल दे रही हूँ, और इस ग्रेवी में इसको 4 से 5 मिनट तक बॉयल होने दूंगी, ताकि अच्छे से उसका जो ग्रेवी है सो अंदर चला जाए। उसके बाद इसको मैं उतार दूंगी। तो सब्जी जब तक तैयार होगी तब तक मैं इधर रायते की तैयारी कर ले रही हूँ, उसके लिए खीरा और प्याज दोनों को छीलकर साफ कर ले रही हूँ। और ये सब्जी तैयार है तो इसमें मैं नींबू डाल दे रही हूँ, ताकि इसके ग्रेवी का भी टेस्ट अच्छा सा आ जाए। तो ये हो गया टेस्टी सब्जी तैयार। तो रायते के लिए खीरा और प्याज मैं इसी चॉपर से चॉप कर लूँगी, अच्छे से हो जाता है तो इसी से मैं कर लेती हूँ। तो ये रायता भी तैयार है, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि ठंडा हो जाए, और रायता ठंडा ही अच्छा लगता है।
और इधर कुछ बर्तन है बेसिन में, तो मैं उसको पहले साफ कर ले रही हूँ ताकि खाने का आनंद उठा सकूँ। नहीं तो टेंशन लगा रहता है कि अभी बर्तन मेरा बचा हुआ है, उसको हटाना है धोकर। तो बर्तन तो मेरा धुल चुका है, अब ये स्लेब को मैं साफ कर ले रही हूँ, गैस चूल्हा और स्लेब को। और यहाँ पे मेरे सिस्टर का फोन आ गया, तो एक हाथ से मैं काम भी कर रही हूँ और कान में लगाकर मोबाइल बात भी कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना काट देने से, तो इसलिए ये भी करना ही पड़ता है। तो ये रहा हम लोगों का लंच दो आज का, और किचन का मेरा पूरा काम हो गया है। किचन को भी मैंने साफ कर लिया है, बर्तन कुछ थे उसको भी धो करके, और सब काम करने के बाद में सुकून से खाने का अच्छा लगता है, तो वही पहले निपटा करके तब मैं खाने के लिए खाना निकाली। तो ये रहा हम लोगों का आज का लंच, तो मिलती हूँ लंच के बाद आप लोगों से। तो हम लोगों का लंच हो गया है, और यहाँ पे आकर देखी तो कुछ कपड़े को मैं तह लगाई थी और कुछ कपड़े बाकी था, तो उसे मैं तह लगा ले रही हूँ और तह लगा के इसको हटा दूँगी। तो यही रहा आज का मेरा रूटीन, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।